फ्रांस से लाए जा रहे 5 राफाल लड़ाकू विमान आज अबूधाबी से उड़ान भरकर दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला में धारा 144 लगा दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक में 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने पर प्रस्ताव पास हुआ, जिसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बताया कि वो राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जहां वो अपनी पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का विरोध करेंगी। 15 अगस्त को राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम के शामिल होने को संवैधानिक शपथ का उल्लंघन बताया। बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया कि वो भूमि पूजन में पीएम के जाने पर बेवजह का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कथावाचक मुरारी बापू ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5 करोड़ देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना को दोबारा गठबंधन करने की पेशकश की। पीएम मोदी आज सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया कि 4G सेवा शुरू करने के बारे में अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा फिर से शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। त्राल में 2017 में मारे गए एक आतंकवादी का पिता भी आतंकी संगठन जैश में शामिल हो गया। खबर है कि भारत नेपाल सीमा के पास कालापानी में नेपाल की सेना ने अपना कैंप लगा दिया और लिपुलेख में सड़क बनाने का काम भी तेज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों ने कोरोना की वजह से रेलवे से कई स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाने की गुजारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जाहिर की और ऐसे मामलों के लिए वहां अपराधियों को आसानी से मिलने वाली जमानत को जिम्मेदार माना। असम के गुवाहाटी शहर में अब मैनहोल की सफाई रोबोट के जरिए होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फूलों की खेती और किसानों की मदद के लिए सरकार ने फूलों से तेल निकालने का प्लांट लगाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले विंग कमांडर हिलाल अहमद भारत में राफाल को उड़ाने वाले पहले पायलट होंगे। एलओसी के पास मछेल सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ते हुए फायरिंग की। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुरानी करेंसी के नोट पकड़े। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर गाजी हैदर ने एक ऑडियो जारी कर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गीदड़ भभकी दी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों से जोड़े गए होटलों को अलग करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। लॉकडाउन के समय अपनी नौकरी गंवाने वाले लखनऊ के 2 इंजीनियर्स ने कबाड़ का काम शुरू करने वाली कंपनी शुरू कर दी। मौसम विभाग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कुल 8 राज्यों में अगले 48 घंटों में आंधी के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पुणे में कोरोना से पीड़ित 100 साल की एक बुजुर्ग महिला को ठीक होने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस सुशांत सिंह के फ्लैट पर जांच करने के बाद रिया के घर जा सकती है। सुशांत सिंह मामले में FIR दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती की वकील उनके घर पहुंची। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की पुलिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना की वजह से 7 सितंबर तक टाल दिया गया, हालांकि पहले ये 3 अगस्त से शुरू होना था। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक और तेज बारिश की संभावना जताई। दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मकान का हिस्सा गिर गया, हालांकि राहत की बात ये रही कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वंदे भारत मिशन के तहत 180 भारतीय मस्कत से जयपुर पहुंचे। बेंगलुरु के गांधीनगर इलाके में एक इमारत अचानक से ढह गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का पानी अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भेजा गया। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा करवाने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में एक लड़के के अपहरण और हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। कोरोना का इलाज करवा रहे MP के CM शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद से 1 महीने पहले लापता बिल्डर की कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने धरना दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों ने घर के 9 लोगों को बंधक बनाया, फिर 9 लाख की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। यूपी के बाराबंकी में 120 किलो कछुए के मांस के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास नोएडा में अपहरण के सिर्फ 1 घंटे बाद पुलिस ने एक बच्चे को ढूंढ निकाला, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपियों पर पुलिस NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएगी। बिहार के समस्तीपुर में बिजली के खंभे से टकराने से नाव में करंट आ गया, जिसमें 2 लोग लापता हो गए। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए बनी कमेटी से पूर्व DGP KL गुप्ता को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यूपी के कानपुर में अपहरण के बाद मारे गए एक आदमी के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया।
यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संकट के बीच बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई। बाढ़ से जूझ रहे बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चंडीगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल खोलने के लिए लोगों से राय मांगी। कानपुर में कोविड अस्पताल से भागे कैदी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के सीहोर में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एक आदमी ने ग्रुप एडमिन को मानहानि का नोटिस भेज दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से बचने के लिए मंत्रालय और विभागों के ऑफिस 6 अगस्त तक बंद कर दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन लगाने के फैसले को वापस ले लिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट दूसरी बार भी नेगेटिव आई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कोरोना की वजह से अब शादी समारोह पुलिस की निगरानी में होगा। गोवा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें करीब 93% छात्र पास हुए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बढ़े बिजली बिलों पर सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और इस मामले में ध्यान देने की अपील की। विकास दुबे के सहयोगी रहे जय वाजपेयी की संपत्ति की जांच इनकम टैक्स और ईडी करेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद की शुरुआत की। राजस्थान बोर्ड के 10वीं में 81% छात्र पास हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में पार्टी के 8 जिला दफ्तरों की ऑनलाइन शुरुआत की। अहमदाबाद में कोरोना संकट के बावजूद छात्रों को स्कूल बुलाया गया, जिस पर निगम ने प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या के मामले में फरार एक आरोपी पर पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बारिश के बाद एक पुल का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात की वडोदरा सेंट्रल जेल में 2 दिनों के अंदर 60 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 3 दिन के लॉकडाउन के समय घर घर जाकर सर्वे शुरू किया। केरल 16 केस में सीएम के पूर्व प्रमुख सचिव से एनआईए ने दूसरे दिन भी कोची में पूछताछ की। केरल सोना तस्करी केस में आरोपी स्वप्न सुरेश और संदीप नायर को कोची की अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा दान केंद्र का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कोरोना संकट के बीच 10वीं क्लास तक के सिलेबस को 30% तक कम करने का फैसला लिया गया। कर्नाटक में सिलेबस से टीपू सुल्तान को हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर मेडिकल एम्बुलेंस का सफल ट्रायल किया गया, जिसके बाद अब दूर दराज के मरीज आसानी से वहां पर पहुंच पाएंगे। नेपाल के पीएम ने फिर अपनी पार्टी की बैठक टाल दी, जिसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने गुट के साथ पीएम आवास पर घुसकर एक बैठक की। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। हांगकांग में कोरोना की वजह से 2 से ज्यादा लोगों के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अमेरिका में बनाई गई एक कोरोना वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 29 सितंबर को होगी। मलेशिया के पूर्व पीएम नाजिब रजाक भ्रष्टाचार से जुड़े सभी 7 मामलों में दोषी पाए गए, जिस पर उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन के समय झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इटली के शिक्षा मंत्री ने सितंबर से फिर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में पुलिस और लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। कनाडा की सरकार ने कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने की मंजूरी दे दी। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अमेरिका की ह्यूस्टन में एक छोटा हवाई जहाज रिहायशी इलाके में गिर गया। गूगल ने कोरोना संकट के बीच अपने कर्मचारियों को अगले साल 30 जून तक घर से काम करने की छूट दे दी। मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए के करीब पहुंच गई। पहली तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 60% से घटकर करीब 45 करोड़ रुपए रह गया। कोरोना की वजह से मैकडॉनल्ड का मुनाफा 68% कम हो गया। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे टेस्ट मैच में 269 रनों से हरा दिया और इसी के साथ उसने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खराब व्यवहार के आरोप में अपने सीईओ को बर्खास्त कर दिया। सोनू सूद ने नौकरी जाने की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर, हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी देकर मदद की। असम के बाद प्रियंका चोपड़ा ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने लोगों की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया अदा किया। टीवी कलाकार अंश बागरी ने दिल्ली के पश्चिम विहार में एक ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाया।